स्टेटमेंट वन, इन एन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बिटवीन टू बॉडीज टोटल मोमेंटम रिमेन्स सेम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स सेम बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन, ये तो सही है। इन एन इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा सा मामला लफड़े वाला है, ये तो सही रहेगा, मोमेंटम कभी आपका चेंज नहीं, वो तो सही है, मतलब कि एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, वो कोलिजन से जस्ट पहले भी, ड्यूरिंग भी और उसके बाद भी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का एक ग्राफ बन के आएगा बहुत बढ़िया सा, जिस समय पूरी तरीके से डिफॉर्मेशन, मतलब कि आप अगर आप देखो रबर की बॉल है, जब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से थी, ऐसे थोड़ा सा ये कम होती है फिर वापस रिगेन कर लेती है, ये टाइम टी डैश होता है, इस समय सिस्टम वीसीएम से चलता है। उस ड्यूरेशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट कम हुआ है पोटेंशियल में चला जाता है सरफेस के। तो स्टेटमेंट टू सही नहीं है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ट्रू इज फॉल्स, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर सी इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो सही है, एनर्जी वाला सही नहीं है।